तो आज हम खेलने वाले हैं हाउस फ्लिपर्स। इस गेम में बेसिकली हमको रियल एस्टेट का काम करना होता है, बाकी सब तुम वीडियो में देख लो। ओके, तो हम आ गए हैं हमारे वर्ल्ड में, ऑफिस में। ओके, यहाँ से अब हम सस्ता सा कोई घर खरीदते हैं, क्योंकि पैसे तो है ज़्यादा लेकिन फ्लिप कॉइंस काफ़ी ज़्यादा कम है हमारे पास। तो देखता हूँ मैं हमारे मेल्स में, हमारे टैबलेट में, क्या हमारे पास कोई सस्ता सा घर है। ओके, तो यहाँ पे 84,985 पकड़ो में एक घर है, ले लेते हैं। यहाँ से ही शुरू करेंगे, फिर आगे जाते 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 खरीदेंगे हम महंगे महंगे घर भी। लेट्स गो। अबे यार, यहाँ पे तो लाइट भी नहीं है। व्हाट, कैसा सा घर है यार, ऐसे छोड़ के जाते हैं क्या लोग घर को। ओके, वहाँ फ्यूज बॉक्स है। पहले फ्यूज बॉक्स में से हम फ्यूज तो सही कर लेते हैं, कुछ सही दिख रहा है नहीं मुझे। यप, इजी पीजी, सब ये ऑलरेडी हमको बताता है गेम ही क्या हुई यार, अच्छा भी ये बता रहा है। ओके, तो ये कुछ टास्क हैं इनके, मैं पहले ये ही कंप्लीट कर देता हूँ। मैं फिलहाल कुछ भी रखने वाला तो हूँ नहीं, लेकिन यहाँ बाथरूम कुछ ज़्यादा ही ख़राब नहीं है यार, कुछ सब चीज़ अच्छे हैं यहाँ पे, बस दीवार और टाइलिंग करनी है। ये बेचने वाला हूँ मैं, ये ज़रा भी पसंद नहीं आया मुझे। वॉशिंग मशीन भी और ये वॉश मशीन अच्छा है। आई मिरर बेच, ओके मिरर उसके साथ ही है वॉश मशीन के साथ। ओके नो वरीज, अच्छा ही है मिरर भी। वेंट को मैं सही कर लूँगा फिटिंग में जाके, वो बेचने की ज़रूरत नहीं। रेडिएटर भी नहीं, और ये बेचूँ भाई सब मैं पहले, और ऊपर की लाइट भी बेचने वाला हूँ मैं। और इस गेम में बेसिकली हमको रियल एस्टेट का तो काम करना ही है, पर प्रॉफिट भी चाहिए हमको। और ये दरवाज़ा भी नहीं रखने वाला मैं, बेच। ओके, सेल का ऑप्शन ऊपर है। यप, और अब मैं सब चीज बेचने वाला हूँ, मुझे इन सब से कुछ भी लेना देना नहीं है, सब बेकार है ये। ओके, तो मैंने सब चीज़ें बेच दी है, कुछ फिटिंग्स थी वो भी कंप्लीट कर दी हैं। अब हमको रूम्स बनाने हैं, तो इतना बड़ा मेरे को किचन सही लग रहा है नहीं, पर यहाँ पे हम दीवार खड़ी नहीं कर सकते हैं। पर क्यों, वाई ब्रो? ओके, वेंट की शायद क्या बक रहा हूँ मैं, वेंट की वजह से शायद। तो मैं इस वेंट को इसको वेंट ही कहते हैं, वेंटी कहते हैं शायद से, छोड़ो मैं इसमें दिमाग ख़राब क्यों कर रहा हूँ। पेंटिंग भी बेच देते हैं, और ये स्विच को भी मूव करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ दीवार लगने के बाद में वो अच्छा लगेगा, बीच दीवार में नहीं लगेगा। यप, अब हम लगा सकते हैं हमारे वॉल्स। तो मैं डाल देता हूँ पूरे वॉल्स। वे 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 अबे मैं खाली पी लिया सब खर्चा कर रहा हूँ, यहाँ वॉल्स डालनी ही नहीं थी क्योंकि डोर भी तो डलेगा ना यार। ओके, तो यहाँ एक छोटी सी वॉल डाल देते हैं ऊपर, और अब डन। एक डोर डालना है, और इस रूम को भी तो पैक करेंगे ना, इतने बड़ी कॉरिडोर की भी ज़रूरत नहीं। और अब मैं फिर वही गलती नहीं करने वाला हूँ। यप,
ओ माय गॉड, एक फ्लिप कॉइन मिल गई। फ्लिप कॉइंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि फ्लिप कॉइन से ही हम नए नए आइटम्स खरीद सकते हैं, और मैं नए नए आइटम्स खरीद दूंगा और तुमको अच्छे अच्छे आइटम्स का हाउस बना कर दूंगा। तो समझ रहे हो ना, तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ मैं सब। इसी बात पे लाइक और सब्सक्राइब कर दो यार। रूम के भी नेम चेंज करना पड़ेंगे क्या? काय को बोले तो यहाँ पे पहले था किचन, अबे यार यहाँ डोर नहीं डाला इसलिए सबका नाम स्मॉल रूम पड़ गया। बाथरूम भी स्मॉल रूम है, वाह। सिर्फ दो डोर्स की वजह से, तो पहले डोर्स ही डालते हैं, इंटीरियर डोर्स। मैं ये 1000 वाला ही डालने वाला हूँ, पर इनके वेरिएंट्स होते हैं क्या, कुछ अलग देखते हैं वो। वो फर्स्ट वाला अच्छा था वैसे, ये फर्स्ट वाला अच्छा है राइट? मैं यही डालने वाला हूँ, मेरे को पसंद आ गया, मैं यही डालेगा। मैं ऐसे बात कहीं को कर रहा है, मेरे को भी नहीं पता, पर मेरे को अच्छा लग रहा है तो तुम भी सुन लो। उस डोर को मैं डालूंगा हमारे बेडरूम वाले डोर में, तई को बोले तो जरा महंगा डोर है यार, समझ रहे हो ना तुम, पता लगना चाहिए कि हाँ भाई। ओके, यप, यहाँ पर भी दरवाजा डल गया, अब यहाँ पे भी दरवाजा डलने वाला है। ये दरवाजा नहीं डालूंगा मैं, कई को बोले तो बाथरूम का और बेडरूम का दरवाज़ा कौन सेम डालता है यार। और मैंने ये लाइट्स छोड़ कैसे दिए हैं, इतने घटिया लाइट्स मैं नहीं रखने वाला अपने बेचने वाले घर में। बंदा खरीदेगा तो खुश होना चाहिए यार। ठीक है, बारी है टाइलिंग की। यहाँ पे मैं कौन सी टाइलिंग अच्छी लग रही है, यहाँ पे एक सिंपल टाइलिंग होती थी ना, वही कर देते हैं। ओके यहाँ है, यप ये अच्छी है। यो अच्छी लग रही है, और अब दीवार की वजह से पूरे रूम का लुक पकवास हो रहा है, तो दीवारों को भी पेंट कर देते हैं। ये कौन से पेंट्स है यार, हमने तो इनके नाम भी नहीं देखे थे। What is this? रोस्टर ठीक ठाक लग रहा है, थोड़ा ट्राई करके देखते हैं। हाँ यक, इतना इतना महंगा था यार ये, पर ये लुक दे गए, मैंने नहीं सोचा था। पहले बेचो यार इसको, और ये पेंट पहले चेंज करो। यक, वॉलपेपर तो मैं यहाँ पे डालने वाला नहीं हूँ, कौन सा भी पेंट ही करेंगे यार यहाँ पे। वॉलपेपर्स बेडरूम में डालेंगे और किचन में डालेंगे। किचन में तो वो टाइल्स जो है ना ब्रिक्स वाले, वही अच्छे लगेंगे, बाकी सब देखते हैं यार यहाँ पे पेंट वेंट काम। ओके, तो ऑलमोस्ट हमारा काम ख़त्म हो गया है, और अब जो ये टाइलिंग से हमारे वॉल्स मैच रहे हैं उससे काफ़ी अच्छी लुक आ रही है मेरे हिसाब से। तुमको पसंद आया या नहीं आया कमेंट कर देना, वैसे है। सीलिंग ऑल्सो डन, अब दूसरे रूम्स की बारी। दूसरे रूम्स में क्या खराबी है उसको जाकर हम ठीक कर देते हैं। उससे पहले लाइट्स लगा देते हैं यार यहाँ पे, और मैं वो झूमर नहीं लगाने वाला, काहे को बोले तो वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है। कॉमन वाला ठीक ठाक ही लग रहा है, इसमें वाइट वाइट कलर है तो ओके लगा देते हैं यही। यप, व्हाइट वाला ही ठीक है यार, दूसरे कलर्स
अच्छे नहीं हैं। भाई साहब बस थे स्टार्ट करते वक्त, लेकिन अब हो गए हैं हमारे पास 21 फ्लिप कॉइंस। अब इस रूम की बारी है, यहाँ पर पहले मैंने ये सब कैसे मिस किया यार। यहाँ पर की टाइलिंग मैं सोच रहा हूँ कि बेडरूम की टाइलिंग से मैच करें हम। वैसे पहले तो सीलिंग कर देते हैं इसकी। यप, सीलिंग इज डन। और अब मैं बेडरूम की टाइलिंग देख के आता हूँ कैसी है। यहाँ पर की टाइलिंग भी वैसे ही करने का सोच रहा हूँ। वैसे यहाँ पर लाइट्स कौन से अच्छे लगेंगे, पेंट कौन सा अच्छा लगेगा, वो सब भी देखना है। पहले हम जो सोच रहे थे वही करेंगे यार। ब्लूइश टाइप में अगर मैं करूँ बेडरूम में तो मैं चेंज करने का नहीं सोच रहा हूँ, पर ट्राई करते हैं यार यहाँ पर ब्लू कलर कैसा लगेगा। इस डोर वाली वॉल पे मैं ब्लू कलर, ओके अच्छा ही लग रहा है ना, स्मूथ एंड क्लीन लग रहा है। यहाँ पे इस वॉल पे सिर्फ ब्लू करूँगा, बाकी सब पे हम वाइट कर देते हैं क्योंकि अच्छा लगेगा। ख़रीदा है हमने इसको 85 पकड़ो तुम, 85,000। यप, 85,000 में, तो देखते हैं कितने में बिकता है। ये डोर पे लग गई यार। और ये अबे ओके मूव हो गई, मूव ही नहीं हो रही थी, डोर ओपन क्लोज हो रहा था। बट आई फाउंड इट आउट। क्या बक रहा हूँ यार मैं। अब यहाँ की टाइलिंग पहले चेंज करनी है, लेकिन सीलिंग्स भी देख लेते हैं हम कैसी। या लाइट लगने के बाद जो सीलिंग का लुक आता है ना, वो लाइट लगने के बाद कैसे आता है वैसे ही होता है, ऑब्वियसली वैसे ही होगा ना। ओके तो रूम्स के भी नेम्स देने से जैसे मैंने तुमको कहा था, तो अब डोर्स लग गए हैं, तो हम इसको स्मॉल रूम का नाम दे सकते हैं, जिसमें मैं क्या रखने वाला हूँ मुझे नहीं पता, पर मैं करने वाला हूँ। यहाँ पर भी सीलिंग पे नहीं है पेंट, तो पहले पेंट पकड़ के आते हैं यहाँ पे, एंड देन वी विल गो विथ आवर वर्क। यप, डन विद आवर सीलिंग टू। और अब यहाँ पे हम कर देते हैं कुछ वॉलपेपर। वैसे मैंने ये रिकॉर्ड किया था उतनी दीवार का, पर पता नहीं क्या हो गया, छोड़ो। वॉलपेपर हमने कर दिया है, यहाँ पर भी करना बाकी है, कर देते हैं और देखते हैं फिर क्या करना है आगे। ओके सो हियर वी गो विथ आवर वॉलपेपर। और अब यहाँ की टाइलिंग भी तो चेंज करनी है ना यार। यहाँ पे मैं ग्रीन वाले लगाने का सोच रहा हूँ, पर ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है, राइट है ना। कौन से यूज़ कर सकते हैं हम यहाँ पे वॉलपेपर्स में, तो मैं लाइनिंग क्या ढूंढ रहा हूँ। ये इसमें कुछ ब्लूइश या ग्रेइश वेरिएंट मिल गया तो अच्छी बात होगी। ये कुछ ठीक लगा मुझे, अच्छा लग रहा है, आई लाइक दैट। अब यहाँ पे हमारा सेट कर देते हैं प्लेटफॉर्म। ओके सो आई एम बैक। मैं थोड़ी देर फोन को बंद कर दिया था, काय को बोले तो अंडरस्टैंड ना, फोन में रिकॉर्ड करना मतलब चार्जिंग की प्रॉब्लम। तो आई एम बैक। यहाँ पे बाथरूम की सीलिंग का, ये मैं बाथरूम में कुछ भी बेचने वाला नहीं हूँ, बाथरूम में सब ओके है। और ये कुछ ब्लू स्टाफ के कॉम्बिनेशन भी हैं, तो टाइलिंग पेंट के टाइम पे इसको कुछ ब्लूइश शेड में ही करेंगे, क्योंकि थोड़ा सामान नहीं बेच रहे हैं तो यहाँ पर तो
थोड़ा सा तो खर्चा करना पड़ेगा ना। ओके तो यहाँ पर हमको प्लेटफॉर्म करना था जो कि मैंने छोड़ दिया था, तो कि अब हम कर देते हैं। और एक बात, अगर तुम भी हाउस फ्लिपर्स खेलते हो तो तुमको बताना चाहूंगा मैं, ये पहले लगा देते हैं। अगर तुमको तुम्हारा घर बेचना है लेकिन तुमको अपने प्रॉफिट जितना चाहिए उतने का प्राइस नहीं मिलता, तो ऐसी सस्ती सस्ती चीज़ें इसमें ऐड कर दो जिससे हमारा प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे मैंने ये 300 रुपये का ऐड कर दिया, और सस्ती चीज़ें मैं ऐड कर सकता हूँ मेरे प्राइस बढ़ाने के लिए, तुम देखते जाओ भाई खाली। अब यहाँ पर की भी टाइलिंग करनी है मैंने, जैसे तुमको कहा था बेडरूम में कैसी है वही टाइलिंग करूँगा मैं यहाँ पर भी। तो यहाँ पर की सीलिंग, वैसे पहले सीलिंग ही कर लेते हैं यार, और सीलिंग का पेंट शायद किचन में रखा हुआ है राइट। खाली बकेट 10 रुपये में बिकती है, वाओ भेज देते हैं हम। और ये डोर नहीं भेजना भाई, बाय बाय। Are here with our paint, और अब करते हैं हम हमारे सीलिंग को पेंट। थानोस का स्नैप है भाई, हमारी पेंटिंग स्किल 2 मिनट में ख़त्म हो जाती है बस वीडियो कट करने के बाद। और ये अब हम बाथरूम में करने वाले हैं, तो कुछ ब्लू शेड में जैसे मैंने तुमको कहा था वही करेंगे हम। ये ब्रिक्स वाले अच्छे लगेंगे क्या यार यहाँ पे इसमें? ये तो ब्लू शेड में अच्छा नहीं लग रहा, ये ब्रिक्स वाले अच्छे लगेंगे क्या? देखते हैं, ब्लू शेड है यार सभी यहाँ पे ऑलमोस्ट चीज़ें ब्लू कलर में ही, कुछ ना कुछ ढूंढना पड़ेगा अपने को। छी यार, नहीं 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 नहीं, दिस वाज नॉट एक्सपेक्टेड। ये बस वो ये वाले टाइल्स अच्छे लग रहे हैं। यप, और अब हो गई है दीवारों की बारी। दीवारों में मैं वही ब्रिक्स वाले करता हूँ वाइट कलर में, कलर चेंज नहीं करने वाला मैं, कि दूसरे कलर से काफी गंदा लग रहे हैं। वाइट इज ओके, ऐसे कुछ ज्यादा ही वाइट लग रहा है पर अच्छा लग रहा है। यहाँ पर भी हम वाइट कलर कर देते हैं, और अब निकलते हैं, और कुछ काम है तो ढूंढने के लिए। पहले तो इन लोगों को हटाओ यार, इसको भी ब्लू कलर में करते हैं, सब ब्लू है तो ये भी ब्लू क्यों ना हो। मैंने अभी कुछ नोटिस किया, शायद कलर चेंज करने पे ये महंगे आते हैं क्या? शायद हाँ, हाँ या ना, छोड़ो यार प्यार। कौन सी चीज़ों पे मैं भी नज़र रखता हूँ, और यहाँ पर की भी वॉलपेपर और किचन की वॉलपेपर मैंने सेम कर दी है। वाओ, देखो देखो देख लो तुम्हें, यहाँ पे कैसे वॉलपेपर्स अच्छे लगेंगे यार। एक तो ये पत्तियों वाला फेदर्स वाला अच्छा लग रहा है, इसको मेन वॉल पे करेंगे। बाकी इसी टाइप में अभी एक ओके, ये सी वाला कुछ मैच हो रहा है इससे, तो रेस्ट ऑफ वॉल वॉल्स को इससे करते हैं। तो चलो करते हैं काम, देख रहे हो तुम, देख रहे हो तुम। सीलिंग बाकी है, यहाँ पर की लाइट तो मैं चेंज नहीं करने वाला, तो सीलिंग का काम बाकी है। यहाँ पर पेंट खत्म हुआ है, तो बाल्टी क्यों पड़ी है? बाल्टी बेचो, वेट,
शायद बाथरूम में है वो बकेट। इससे सीलिंग कंप्लीट हो जाएगी क्या या ना? यप, फिर द वर्क इज डन। अब हम निकलते हैं, यहाँ नहीं भी ऑफिस को नहीं, मेरा ऑफिस तुम लोग देखोगे ना तुम लोग परेशान हो जाओगे, क्योंकि मैंने वहाँ कुछ भी नहीं रखा है, कुछ भी नहीं, नॉट इवन अ सिंगल थिंग, इवन डोर्स भी नहीं, क्योंकि अपना ऑफिस है यार, कौन सा वहाँ पे हमको सब काम होता है उन सब का। यहाँ हम अगर बेचेंगे तो उससे भी पैसे आ जाएंगे हमको, तो वाई टू डू दैट, बोल के मैंने कुछ भी नहीं रखा वहाँ पे। और अब यहाँ पर की टाइलिंग करनी है, जो कि मैंने देखी है बेडरूम के टाइप की। बेडरूम में कुछ ऐसे है या ये क्या है, नट हाँ नट है, नल। अबे तेरी पागल, ओके अभी मैंने बकेट भेजी थी, अब फिर हमको खरीदनी पड़ेगी इस वॉल के लिए। अब द वर्क इज डन, और अब ये फिर से हमारा काफी ज्यादा लॉस होगा, क्योंकि हम खरीदते हैं अराउंड 250 में और एक बार यूज करने के बाद ये बिक रही है सिर्फ 150 में। समझ रहे हो ना तुम कितना लॉस है वहाँ पे, अराउंड 100 रुपए का लॉस है वहाँ, 100 भी नहीं, 145 या 145। ये भी डन है हमारा, और क्या क्या बाकी है भाई? बाय 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 बाय, कुछ ऐड कर सकते हैं क्या हम यहाँ पे पैसे? ये कुछ डार्क शेड में है, वो कुछ लाइट शेड में लग रहे हैं मुझको, पर पैटर्न तो सेम है ना बस। बेडरूम है तो टीवी तो होनी ही चाहिए, जो कि ये घर के डिजाइन में जरी भी मैच नहीं कर रही है, क्योंकि आगे पीछे हैं यार। और ये आप कितने में बिक रहा है? 87, खरीदा कितने में था? 84, 3000 का प्रॉफिट है। पर मैंने तुमको एक ट्रिक बताई थी ना, वो ट्रिक मैं अब अपनाने वाला हूँ। ये रूम में कुछ भी नहीं, तो ये रूम में कुछ भी ऐड कर देंगे। यहाँ अभी ये आईने की क्या जरूरत है? किचन में आईना कौन रखता है भाई? मूव नहीं सेल, यप। इसको भी बेच दे, नहीं यार नको रहने दे, क्योंकि अच्छे ही लग रहे हैं वो, और बाथरूम में होना ही चाहिए वो, जरूरी है। क्या ऐड कर सकता हूँ मैं जिससे पैसे बढ़ जाएं हमारे? यहाँ पे कुछ ऐड कर, फोन ऐड कर दूं क्या? कैसे रहेगा, कर देते हैं यार ऐड। एक फोन तो होना जरूरी है ना यार, अब स्मार्टफोन मैं नहीं रख रहा हूँ तो क्या, वैसे वाला फोन तो रख सकते हैं ना पुराने जमाने का। और अब कुछ भी सस्ता नहीं बचा, एक ब्रश 125 रुपीस में। बाथरूम में सब आइटम हैं, पर क्या कुछ भी सस्ता और बेहतरीन। मैंने सोचा कि पेंटिंग्स लेते हैं, पहली पेंटिंग एक 6000 रुपए की है, दूसरे पेंटिंग्स देखते हैं यार मिल जाएगी हमको सस्ती सी पेंटिंग कोई। देखो तुम कितने चीज़ें ब्लॉक है, 1341 आइटम्स आर स्टिल ब्लॉक। अबे यहाँ तो सस्ती सस्ती पेंटिंग्स है ना, यहाँ एक पेंटिंग लगा देते हैं, थोड़ा रूम भी भरा भरा लगेगा हमको, क्योंकि इस स्मॉल रूम का काम मुझे भी अभी तक कुछ भी समझ में नहीं आया है। और
और कुछ टेबल वेबल ऐड कर देते हैं यहाँ पे। हमको क्या लेना है, ये यहाँ पे भी कोई अच्छा सा टेबल सस्ता नहीं मिल रहा है, है अच्छा लेकिन प्राइस देखो यार, प्राइस पे भी नज़र रखनी है हमको। और ये जो प्लान वाला तुम सस्ता सोच रहे हो वो है तो सही सस्ता पर बहुत ही छोटा है यार अभी तो। व्हाट, प्राइस कम हो गया है हमारा, बट व्हाई। और ये मिरर मेरे को कुछ भी काम का नहीं लग रहा, तो मिरर भी बेचने वाला हूँ मैं। पहले किचन को हम किचन बनाते हैं ना कि रूम रखते हैं। ये मिरर बेचकर आई कैन अंडरस्टैंड काफी ज्यादा लंबी वीडियो हो गई है, पर व्हाट कैन आई डू। मैं खुद थक गया हूँ और इस किचन में स्टोव भी नहीं है और हम इसको किचन कह रहे हैं। वैसे इस स्टोव में इसके जो फ्लेम के कंट्रोल वाला होता है वो साइड में क्यों है, और ये 87,000 में बिक रहा है लेकिन मुझको थोड़ा और चाहिए। तो हम यहाँ पे एक टूथब्रश ऐड करते हैं। अबे फिर कम हो गया, व्हाट इज द हैपनिंग इज द हियर इज द, तो अब तो टूथब्रश ऐड करना ही पड़ेगा। सही ओके मैं भेज देने वाला हूँ और ज्यादा कुछ भी नहीं करने हैं। नेगोशिएट करके हम शायद थोड़े से ज्यादा पैसा ले सकते हैं। तो मेरे पास 17 है, तो दो तो कैसे भी वेस्ट किए ना, तो मैं दो नेगोशिएट करके देखता हूँ कितने मिलने वाले हैं। एक से 88 मिल जाएंगे, पर हम दो लगा सकते हैं राइट, तो दो ही लगाते हैं हम। 88,950 ओके, 1,000 रुपये बढ़ रहे हैं। एंड आई एम गोइंग टू सेल दिस हाउस। अभी मैं पूरे 17 के 17 कॉइन्स देने वाला था इनको। यप, हियर वी गो। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और भी ऐसे कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कर देना। देख सकते हो दरवाजा नहीं है। वेट अंटिल नेक्स्ट वीडियो कम्स, तब तक के लिए बाय बाय।